हेलो एवरीवन, आज 31 जनवरी 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच डे मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 30 जनवरी को। याद रखिए महात्मा गांधी की क्या होती है, डेथ एनिवर्सरी होती है। नाथूराम गोडसे ने इनको इस दिन गोली मारी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए 30 जनवरी को मार्टियर्स यानी शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक दिन और मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस मनाया जाता है, वो है दोस्तों 23 मार्च को। 23 मार्च को भी याद रखिए मार्टियर्स डे सेलिब्रेट कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही डेट है जिस दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापरे को हैंग किया गया था दोस्तों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। 1 जनवरी को आपको पता है ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस। 8 जनवरी को मनाया जाता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। इसके अलावा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और 11 जनवरी को मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है, जिसे पराक्रम दिवस भी बोलते हैं दोस्तों। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करा जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा था, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल टूरिज्म डे। इसके अलावा आपको पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता ही है। इसके अलावा 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। 28 जनवरी को दोस्तों बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय जी की सेलिब्रेट करी जाती है। ठीक है, और 30 जनवरी को भी बताया है मार्टियर्स डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। हमेशा याद रखना वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन जो डे होता है वो लास्ट संडे ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज 84 एंटी आर्मर वेपन हैज बीन सिलेक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम फॉर अ सिंगल शॉट वेपन। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा एकल शॉट हथियार के लिए प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से किस देश के 84 एंटी आर्मर हथियार का चयन किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वीडन। याद रखिए स्वीडन के ये 84 एंटी आर्मर वेपन को सेलेक्ट करा गया है दोस्तों। स्वीडन इज द राइट आंसर। स्वीडन की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है स्वीडन ऑरेंज वाला। ठीक है, याद रखिए दोस्तों स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और इसी के बगल में है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और यहाँ पे है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है क्या दोस्तों, देख सकते हैं ना दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी नाम भूल गया मैं दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी है हाँ हेलसिंकी दोस्तों, हेलसिंकी। और फिनलैंड जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी टॉप करा था दोस्तों, हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके अलावा अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी आया था जिसमें फिनलैंड टॉप पे था। फिनलैंड के साथ दो और कौन से देश थे जिसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप करा था? याद रखिए टोटल 3 जो देश थे वो नंबर 1 पे थे। आप दो देशों के और नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंडिया की जो रैंक थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, वो भी बता देता हूँ, 85 थी। क्या थी दोस्तों? 85th। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई वर्किंग पेपर द ऑप्टिमल हेज रेशियो फॉर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स raised by firms in India is estimated at how much percent for the periods of high volatility in the foreign exchange market. तो RBI working paper के अनुसार भारत के फर्मों द्वारा उठाए गए बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इष्टतम बचाव अनुपात विदेशी मुद्रा बाजार में उच्च अस्थिरता की अवधि के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 63%। ठीक है, याद रखिए दोस्तों ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होता क्या है? ठीक है दोस्तों, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो है कैश बॉन्ड्स में भी ली जा सकती है, इसके अलावा सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स में भी उठाई जा सकती है, प्रेफरेंस शेयर के तौर पे भी उठाई जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा कुछ लोग जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसको हाइब्रिड मोड में भी उठाते हैं। हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सचर अलग अलग चीजों का। ठीक है, तो हाइब्रिड मोड में भी उठाते हैं जैसे कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में उठा लेते हैं,
फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के तौर पर भी उठा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा। तो आरबीआई के गवर्नर अभी दोस्तों आपको पता होना चाहिए शक्तिकांत दास हैं, हेडक्वार्टर्स आपको आरबीआई के मुंबई में मिलेंगे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी, याद रखिए मुंबई में नहीं हुई थी, कोलकाता में हुई थी स्थापना, ठीक है दोस्तों। आरबीआई जो है कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 स्टैचुटरी रिपोर्ट पब्लिश करता है, कौन सी, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बैंक एंड द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये पब्लिश करी जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कौन पब्लिश करता है, आरबीआई, याद रखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आरबीआई पब्लिश करता है। अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्मली अनाउंस्ड हिज एसोसिएशन विद एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी इन जनवरी 2022। तो किसने औपचारिक रूप से जनवरी 2022 में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू करने के लिए एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ जुड़ने की घोषणा करी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गौरव खन्ना ने, याद रखिए हाल ही में एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर घोषणा करी है कि ये पैरा बैडमिंटन अकेडमी खोलेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत का पहला रॉक म्यूजियम हाल ही में कहां एस्टेब्लिश करा गया था, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। इसके अलावा दोस्तों एवीजीसी जो है बेंगलुरु में हाल ही में एस्टेब्लिश करा गया था, याद रखिए बेंगलुरु में। अभी भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहां एस्टेब्लिश करा गया था दोस्तों, गुरुग्राम में, कहां, गुरुग्राम में एस्टेब्लिश करा गया था दोस्तों। आसाम में अभी हाल ही में स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप करी गई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया था, तो याद रखिए स्किल यूनिवर्सिटी कहां, आसाम में सेटअप करी गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा ये सारी चीजें। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो सेंटर है भारत का पहला कहां, ये भी हैदराबाद में इनॉग्रेट करा गया था, किसके द्वारा, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सीवी रमन द्वारा, ठीक है, रमन्ना द्वारा दोस्तों, रमन बोल रहा हूँ, सीवी रमन, लेकिन रमन्ना द्वारा दोस्तों, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रमन्ना, उनके द्वारा, आप देख सकते हैं ये हैं गौरव खन्ना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द पीएलआई स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, तो कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की जाएगी दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 10,683 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये पीएलआई क्या होता है दोस्तों, पीएलआई मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, याद रखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब प्रोडक्शन के मामले में आपको पता है इंडिया जो है, भारत सरकार जो है प्रोडक्शन को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक है और बढ़ाना चाहती है भारत में प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ना गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है कुछ ना कुछ, उसी को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो कौन है दोस्तों, पीयूष गोयल हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, याद रखिए, और ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉप्स इज इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर विच एंटिटी हैज लॉन्च्ड दिस फैसिलिटी, तो पॉप्स भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक है, किस संस्था ने यह सुविधा हाल ही में शुरू करी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पेटीएम मनी ने हाल ही में यह सुविधा लॉन्च करी है, याद रखिए पेटीएम मनी हैज इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर कॉल्ड पॉप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों पेटीएम के फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं, याद रखिए 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे किसके, पेटीएम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप हैज रिसेंटली चोजन 3 banks एज इट्स प्रेफर्ड बैंकर्स फॉर एयर इंडिया, विच ऑफ दिस बैंक इज नॉट अमंग देम, तो टाटा समूह ने हाल ही में एयर इंडिया के लिए अपने पसंदीदा बैंकरों के रूप में 3 बैंकों को चुना है, इनमें से कौन सा बैंक उनमें से नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, याद रखिए एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और एचडीएफसी बैंक है, याद रखिए एयर इंडिया को है, हाल ही में आपको पता होना चाहिए एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा था कितने करोड़ में, 18,000 करोड़ की डील में खरीदा था दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ दीज डेज, तो विश्व कुष्ठ दिवस प्रत्येक वर्ष इनमें से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर अभी मैं बता ही चुका था पहले क्वेश्चंस में, क्या है, लास्ट संडे ऑफ द जनवरी, याद रखिए लास्ट संडे ऑफ जनवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, इसका थीम का नाम था दोस्तों यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी थी इस बार वर्ल्ड लेप्रोसी डे की थीम।
अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन्स सिंगल टाइटल, तो किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एशले बार्टी ने, याद रखिए क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन है यहाँ के, ठीक है। कैनबरा जो है यहाँ की कैपिटल है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर नास्कॉम द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फॉर एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फंड्स वाज रिकॉर्डेड एट डैश इन 2021, तो नास्कॉम के अनुसार पर्यावरण सामाजिक और शासन फंड के प्रबंधन के तहत संपत्ति 2021 में डैश पर दर्ज की गई थी, कितने दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी $650 मिलियन दर्ज करी गई थी, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडस्ट्री बॉडी फिक्की हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन लेड स्मॉल बिजनेसेस अक्रॉस इंडिया, तो उद्योग निकाय फिक्की ने भारत भर में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेटा। दोस्तों हाल ही में फिक्की के नए चेयरमैन अपॉइंट करे गए थे, उनका नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दोस्तों। फिक्की के अभी हाल ही में नए चेयरमैन अपॉइंट करे गए थे दोस्तों। मेटा आपको पता है जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, याद रखिए। फेसबुक के जो फाउंडर हैं और सीईओ हैं कौन है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है, मार्क जकरबर्ग, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डेज हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, तो WHO के द्वारा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में इनमें से किस दिन को नामित किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 30 जनवरी को, याद रखिए वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। WHO के दोस्तों कौन डायरेक्टर दोस्तों, टेड्रोस हैं, कौन, टेड्रोस, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ दिस PLI स्कीम, तो इस PLI योजना अभी जो अभी मैंने बताई थी, इस PLI योजना की प्रगति की निगरानी के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के लिए अध्यक्ष कौन है दोस्तों, कौन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैबिनेट सेक्रेटरी को हाल ही में, याद रखिए PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी उसके लिए एक मॉनिटर सेक्रेटरीज का मॉनिटर ग्रुप बनाया गया था, उसके मॉनिटर ग्रुप को हेड कौन कर रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी अभी हमारे हैं राजीव गौबा, कौन, राजीव गौबा हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, याद रखिए। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, याद रखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।